पुलिस है, ये दोनों मूवेबल है और ये फिक्स्ड है, मासलेस। ये 10 kg, ये 20 kg। देखिए इसमें एक ही कैच है और वही कैच पकड़ना आपको, कैलकुलेशन बहुत कम है, कैलकुलेशन बहुत ही कम है इसमें, वो कैच पकड़ना है आपको। चलिए ऐश्वर्या एक चीज बताइए, ये बताइए यहां पे टेंशन कितनी है ऐश्वर्या? टी। और यहां पे आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? एक मिनट, सेम स्ट्रिंग है। सेम स्ट्रिंग है ना, टी होनी चाहिए या 2T होनी चाहिए? टी मान सेम लो। स्ट्रिंग के साथ ही है वैसे, बैंडिंग के हिसाब से है। यहां पे ऐसी टेंशन होनी चाहिए कि उसको एक लॉजिक से वो आ रही है 2T। भाई यहां देखिए, अगर आप इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, मैं पुली का नाम बता रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिए, ध्रुव, पुली नंबर 10, पुली नंबर 10 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए तो इधर आएगा टी, इधर आएगा टी, और इधर आएगा टी कितना? 2T आना चाहिए, 2T आना चाहिए आपके हिसाब से, और एक्चुअल में टी भी है। भाई सेम स्ट्रिंग है तो देखिएगा, ऐसा कब हो सकता है कि 2T और टी सेम हो? भाई तभी तो ये चलेगा। और टी जीरो होने का मतलब ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अगर टेंशन जीरो हो गई तो ये किस एक्सेलरेशन से फॉल करेगा? जी आई है 2T - T शुड बी जीरो, यानी कि T = 0। T = 0 का मतलब रस्सी में कोई टेंशन नहीं है, यानी कि स्लैक आ गया, और जैसे ही स्लैक आया फ्री फॉल शुरू हो गया, तो इसकी एक्सेलरेशन 10 होगी। तो सबको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन।